दृष्टि। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शिक्षा देने के उपरांत युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर जाओ और नगर से कोई एक दुर्जन खोज कर लाओ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े और कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। इसके बाद वे दूर दूर तक घूमने गए पर उन्हें कोई दुर्जन न मिला। वे जिस किसी से भी मिलते या बात करते तो उन्हें हर किसी में सिर्फ सज्जनता व विशेषता ही दिखाई देती। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने गुरु द्रोण से कहा कि गुरुवर, नगर में कोई दुर्जन है ही नहीं और यदि है तो मुझे दिखाई न पड़ा। अतः क्षमा करें गुरुदेव, मैं किसी दुर्जन को आपके समक्ष न ला सका। गुरु जी ने युधिष्ठिर से बैठ जाने को कहा। फिर कुछ देर मौन रहकर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि जाओ दुर्योधन और नगर से एक सज्जन खोज कर लाओ। वे भी दूर दूर तक गए पर हर किसी में उन्हें दुर्जनता व दुष्टता ही दिखाई दी। उन्हें उस नगर में एक भी आदमी भला न दिखा। वे भी लौट कर आए और गुरु के सामने पूरा हाल कह सुनाया कि गुरु जी, नगर में एक भी व्यक्ति सज्जन नहीं है, सब दुष्ट हैं, इसीलिए मैं किसी को न लाया। इसके बाद गुरु द्रोण ने दुर्योधन को भी बैठ जाने को कहा और उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने बिना कुछ कहे ही हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दे दी कि इस संसार में सभी तरह के मनुष्य हैं, पर जो व्यक्ति जैसा होता है उसे अपने समान ही सब दिखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपने अपने संस्कारों के अधीन होने के कारण युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला और दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला। धन्यवाद।